आखिर ये खाली खोखे में कौन सा व्यापार किया जाएगा? चौबेपुर थाने से चंद कदमों की दूरी पर किसकी शय पर हो रहे अवैध कब्जे? चौबेपुर बेला रोड क्रॉसिंग के ठीक सामने ठाकुर जी महाराज का प्राचीन मंदिर स्थापित है। विगत वर्ष पूर्व इस मंदिर में राम नाम जप यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया था, लेकिन इसे मंदिर का दुर्भाग्य कहेंगे या फिर मंदिर प्रबंधन की लापरवाही कि मंदिर के यज्ञशाला में लगाए गए बांस बल्ली व टट्टर से अराजक तत्वों ने जीटी रोड किनारे लगाकर अवैध तरीके से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। वहीं अब इसे भी मंदिर का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि कुछ लोगों ने तो मंदिर की यज्ञशाला से टट्टर निकालकर मुर्गा मीट व बिरयानी की दुकानों में बकायदा लगा लिया है। इस संबंध में जब एबी न्यूज ने भाजपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं पूर्व जिला अध्यक्ष रविशंकर दीक्षित से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ उच्च अधिकारियों व पार्टी पदाधिकारियों से बात कर शिकायत दर्ज कराकर सख्त कार्यवाही कराएंगे। ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा शासनकाल में कोई भी गलत नहीं कर सकता है। चौबेपुर बेला रोड क्रॉसिंग के पास में ठाकुर जी महाराज का मंदिर है। राम सीता महायज्ञ हुआ था, टट्टर लगाए गए थे यज्ञशाला में। उन टट्टरों को उखाड़ करके कुछ लोगों ने जीटी रोड किनारे अवैध कब्जा करके दुकानें बना ली है। उसमें कुछ लोगों ने मुर्गा मीट मांस की दुकानें खोल रखी हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? यज्ञशाला में टट्टर लगे थे, उन टट्टरों को ही उखाड़ करके वहाँ के कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके वहाँ जीटी रोड बेला क्रॉसिंग पर कम से कम 20 दुकानें अवैध रूप से मिल करके वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिल के वहाँ लगवाई हैं। जो एक तो सबसे बड़ा अपवित्र कार्य ये किया है कि मंदिर के टट्टरों को वहाँ उसमें प्रयोग किया है, मंदिर में जो यज्ञशाला में लगते हैं, ये गलत है। और वहाँ मीट की बिरयानी की दुकानें, और वहाँ तो पहले से ही बहुत जाम लगता है, लेकिन ये जो प्रशासन अनदेखी कर रहा है इसमें हमने उच्च अधिकारी अपने नेताओं से बात करी है, प्रशासन में कई अधिकारियों से पुलिस प्रशासन से भी बात की है, और उनका इसको जल्द से जल्द हटवाएंगे इसको। और ये अवैध है, इस तरह के अवैध निर्माण को हम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी। और जो ये बगैर लाइसेंस के जो मीट की और बिरयानी की दुकानें हैं, इन पर तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। एक साल के अंतराल में मुर्गा मीट की दुकानों की भरमार आई है कस्बे में, दुकानों की भरमार आई है। और ये भाजपा शासनकाल चल रहा है, बाबा की सरकार है, उसके बावजूद इस पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। ये लोग चुपके से या छिपकर ये लोग पर्दे वर्दे डाल के बेचते हैं, और जब प्रशासन के संज्ञान में आता है तो उसको बंद कराने का काम कर दिया जाता है। लेकिन ये जो चुपके से चोरी लुके बेच रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हम प्रशासन से कहेंगे और इनको इस तरह बेचने नहीं देंगे।